الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان الله دامنِ مراد ہلا ہلا کے اس سے معافی مانگ سبحان اللہ
मुजरिम जब माफी मांग रहा हो तो इल्तिजा होती है, बेशक ऐसे ही बेशक मुजरिम जब माफी मांग रहा हो इल्तिजा होती है, और इल्तिजा करते हुए इंसान इंतहाई मिस्कीन लगता है, बेशक यतीम लगता है, बेसहारा लगता है। इसलिए अल्लाह के हुजूर जब माफी मांगने लगे तो अपने आप को फाफना कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, और ऐसे जैसे एक बच्चा रो रो के अपनी माँ से अपनी मुराद मांगता है, तुम इस तरह रो रो के अल्लाह से तौबा और गुनाहों की माफी मांगो। हजरत रूमी अलैहि रहमा ने हमें समझाने के लिए हमें फिक्र और नजर देने के लिए इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह से सच्ची मोहब्बत हो जाए, नबी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो हजारों परेशानियों से जो तुमने दुनिया की वजह से अपने लिए उठा रखी है उससे तुम्हारा दामन आजाद हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि सच्ची नीयत के साथ उसे अपना महबूब बना लो। अगर रब को महबूब बना लिया उससे सच्ची मोहब्बत शुरू हो गई तो फरमाते हैं कि तुम फिर उस मकाम पर आ जाओगे कि अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों के खतरों से महफूज कर। खतरा इधर भी है, खतरा उधर भी है, और खतरे से बचना हर आदमी के लिए जरूरी है, क्योंकि खतर में क्या होता है, खतर में नुकसान है, खतर में मायूसी है, खतर में दर्द है, अजाब है, जिल्लत है, रुसवाई है। तो रोमी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि चूंकि इस दुनिया की दुनियावी हाजतें और दुनिया की दुनियावी जितने भी मंसूबात हैं इसमें तुम्हारे दिल को जकड़ा हुआ है और तुम हर वक्त खतरा महसूस करते रहते हो, ये ना वो तो वो हो जाए, वो ना वो तो ये हो जाए, इस तरह के खतरात में रहते हो। तो इसके लिए तुम्हें जरूरी है कि तुम अपनी आंख को, तुम अपने दिल को एक हस्ती की तरफ मुतवज्जे कर लो, एक जात की तरफ राजे कर लो, जिस तरह मजनू ने अपनी आंख को सिर्फ लैला के लिए खास कर लिया था, तुम अपनी निगाहों को रब के लिए खास कर लो। अक्सर हमारे सूफिया ने मजनू का जिक्र किया है, वो एक मजाजी मोहब्बत है, लेकिन उस मजाज के अंदर से वो हकीकत तक ले जाना चाहते हैं, उस मजाज से वो मार्फत तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मजाज वो मोहब्बत है जो हर आदमी को हासिल होती है, किसी ना किसी सूरत में हर आदमी के पास उसका हुजूर होता है, किसी भी जिंदगी के मोड़ पर। तो फरमाते हैं कि जिस तरह मजाज में मजनू ने अपना खलूस साबित किया, खलूस कौन सी चीज होती है जिसमें मिलावट ना हो, इसी से लफ्ज खालिस है। आप खालिस किस चीज को कहते हैं जो मिलावट से पाक हो, उसे खालिस कहते हैं। तो मजनू की जो नजर थी वो मिलावट से पाक थी, वो खालिस नजर थी, क्यों
कि उसकी निगाहों में कायनात के जितने भी हुसन हैं और हुसन होने के बावजूद भी उसकी निगाहों का निशाना रुखे लैला ही होता तो कहा कि दुनिया की मोहब्बत में अगर इतनी तासीर है कि अगर वो सच्ची मोहब्बत हो तो फिर आदमी दूसरे हुसन की तरफ नजर नहीं करता, एक ही हुसन में महर हो जाता है, एक ही जलवे में गुम हो जाता है, एक ही रौनकों में फना हो जाता है। तो फरमाया कि अगर इश्क मजाजी का ये मकाम है तो बोलो इश्क हकीकी का मकाम क्या है। तो रूमी अल रहमैया फरमा रहे हैं कि अगर तेरी नजर कम अज कम मजनू जैसी भी हो गई कि उसे अपने महबूब के सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता, इसका मतलब है कि जो महबूब हो आंख में वही रहता है, आंख में वही रहता है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन आंख में कैसे आए, ला तुद्रिक हुल अबसार, नजरें उसका इबादा नहीं कर सकती, तो अल्लाह पर नजर कैसे जमी रहे। मजनू के सामने तो लैला का चेहरा था, हम अपनी निगाह को अल्लाह के साथ कैसे खास करें। फरमाया वफी कुल शैइन लहु आयातुन, फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, तुम कायनात के जिस चीज पर भी नजर डालोगे उसके पीछे तुम्हें खुदा का चेहरा नजर आएगा। अल्लाह का चेहरा हमारे तरफ तो है, अल्लाह की सूरत है, लेकिन कैसे हमें नहीं पता। तो फरमाया कि हमने मखलूक में गौर करना है, तहकीक करनी है हक के लिए, और हर शय में नजर पड़े तो उसमें ख्याल ये पैदा हो कि जिस चीज को देख रहे हो इस चीज को बनाने वाला कौन है। जनाबे रोमी कश्मीर आरफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी यही फरमाया था, सोनी सूरत ते आशिक होना कदी ए दानाई, बेशक जी सोनी सूरत ते आशिक होना, समझ नहीं आया। सोनी Yeah।
हर दफा पढ़ने का भ्रम कुछ और होता है। तरन्नुम की बात नहीं कर रहा, मानी की बात। फरमाया एक को अपना महबूब बना लो, और जब एक को महबूब बनाओगे तो खतरा टल जाएगा। खतरा टालने का जरिया समझा रहे हैं जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह कि अगर तुम खतरों से बचना चाहते हो तो एक महबूब की मोहब्बत के गिरफ्तार हो जाओ। और याद रखो, जिससे मोहब्बत हो जाए फिर जबान पर वही होता है, कान में वही होता है, नजर में वही होता है, रूह में वही होता है, फिक्र में वही होता है, दिल में वही है। एक है, एक को बसाना ही आसान होता है। हजरत एक बात मेरी याद रखना कि अल्लाह की मोहब्बत और मखलूक की मोहब्बत में फर्क है। इसलिए मखलूक में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत चाहिए तो वो नबी पाक सुभान अल्लाह। जो मखलूक नहीं है वो एक ही है, लिहाजा उसकी मोहब्बत मखलूक से भी ज्यादा हो। मखलूक की मोहब्बत जहाँ खत्म होती है, महबूब हकीकी की मोहब्बत वहाँ शुरू। कोई गलत ना समझे हमारी बात, हम ये कहते हैं कि मखलूक वाली मोहब्बत हो रहा है और महबूब वाली मोहब्बत हो रहा है। हम नबी पाक को महबूब समझते हैं, महबूब नहीं समझते, इसलिए नबी से मोहब्बत महबूब वाली करते हैं, रब से मोहब्बत महबूब वाली। अब उसका जो नतीजा है उसकी तरफ चलते हैं। बात खत्म हो गई, बस ये इनकी मोहब्बत है हमारे मुल्क साहब की। वरना यहाँ से मुलाकात की आज, लेकिन मुलाकात भी हो गई, बात भी हो गई। बात वही होती है जो नफे हो गई। माशाल्लाह, तो ये बता दिया कि महबूब एक ही होता है। बोलो, महबूब एक ही होता है। जिसे महबूब बना लिया जाए, और ऐसा महबूब के जो महबूब भी हो, जो महबूब है महबूब भी है, जो महबूब है महबूब भी है। तो नजर में फिर कोई और नहीं होना चाहिए, दिल में कोई और नहीं होना चाहिए। और ये कैसे साबित होगा? ये साबित होगा आपके किरदारों आमाल से। अल्लाह से अगर आपको सच्ची मोहब्बत है तो हम उसको कैसे नाप सकते हैं? और मैं नाप नहीं सकते, अंदाजा लगा सकते हैं। और अंदाजा कैसे लगाएंगे? आमाल को देखकर। जिस आदमी के अंदर शरीयत खिलखिलाती नजर आए और जिसके अंदर अहकाम कुरान अमली सूरत लेकर रक्षा नजर आए, और जिसके अंदर कौले रसूल की तामील वाली सूरत नजर आए, तो हम ये समझ जाते हैं कि इससे अपने महबूब से वाकई मोहब्बत हो गई। और जिससे मोहब्बत हो, ये भी हो सकता है कि उसकी नाफरमानी की जाए। अभी आपने बताया एक मजाजी मोहब्बत की तासीर यह है कि मजनू की नजर में किसी और का हुसन नहीं समा सकता। मजनू की जबान पर भी एक है, वो सुनना भी उसी एक को चाहता है, वो बोलना भी उसी एक से चाहता है, वो देखना भी उसी एक को चाहता है, और वह इंतजार करता है कब मेरा महबूब मुझे कोई हुक्म दे और मैं बजा लाऊं। तो
ये अगर तासीर है मजाज में तो हकीकत की तासीर मरा उल मरा है। इसलिए बंदा मोमिन अल्लाह से मोहब्बत का दावा करता है, लेकिन कुरान ने बहुत आसान तरीके से समझा दिया कि हुजूर से भी मोहब्बत करने वाले कुछ कहते थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करने वाले जो हैं ऐ महबूब, जो दावा कर रहे हैं आप उनको वाज़े अल्फाज में ये बता दें कि इन कुंतुम तुहिब्बूना अल्लाह, अगर तो तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर फत्तबिउनी, तुम सब मेरे पीछे चलते हो। तो अब मियारे होबे इलाही, इकरारे होबे इलाही नहीं, बस मैं कुलिया पेश कर रहा, मियारे होबे रब्बुल आलमीन, इकरारे मोहब्बत नहीं है, इसका मियार इकरार नहीं है, इसका मियार कुरान ने इत्तेबाए मोहम्मद को रखा। जो ये कहे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ उसे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह गोया यूं फरमा रहा है, मुझसे मोहब्बत का दावा करने की जरूरत नहीं, मेरे नबी के पीछे अगर मैंने तुम्हें चलता हुआ देखा तो मैं अर्श का वकील तुम्हें ये कहूंगा, ऐ बंदे अब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मोहब्बत की बात करते हो तो अल्लाह कहता है कि तुम तो कह रहे थे हम मोहब्बत करते हैं, फरमाया तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हाँ मेरे नबी के पीछे चलो फिर हम कहेंगे हम इससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा तुम दावा करो, तुम्हारे दावे की दलील इकरार नहीं है, तुम्हारे दावे की दलील तामील कहते हैं और मोहब्बत कैसे होती है, अल्लाह अपनी मोहब्बत का ऐलान कर रहा है शायद। उसने अपनी मोहब्बत का ऐलान कैसे किया, महबूब की तो हर शय महबूब होती है, महबूब की हर शय महबूब होती है, तो लिहाजा तुम मेरे महबूब की अदाएं अपनाओ, जब मैं वो हरकात वो सकनात वो आदात वो मामूलात जो मेरे महबूब के हैं तुम मैं देखूंगा, तो चूंकि मेरे महबूब की अदाएं तुम में नजर आएंगी फिर तुम उस महबूब के सदके तुम भी महबूब बना दिए। और अल्लाह के नेक बंदों का मैंने एक जगह पढ़ा था कि अहलुल्लाह की मोहब्बत को लाजम कर लो, ये अहलुल्लाह की मोहब्बत जब कही जाए तो इससे हम मुराद नहीं होते, इससे कामिलीन मुराद होते हैं। हम तो अभी इस रास्ते की जो पहली सीढ़ी है उस पर भी कदम नहीं रखा, समझ आएगा, हम सिर्फ एक आबाव अजदाद के तरीके की आबियारी और इहियाए तरीके अजदाद को कायम रखने के लिए इस रास्ते पर चल रहे हैं। फरमाया किसी तरह अगर तुम अल्लाह के करीब जाना चाहते हो तो फरमाया वली के दिल के अंदर अपना नाम लिखवा दो।
अल्लाह के वली के दिल में किसी तरह अपना नाम पहुंचा दो। और उसका तरीका क्या है कि वलियों का ये तरीका है, कोई उनसे आके कहे ना मैं सैयदी में आपसे मोहब्बत करता हूं, तो अगर वो सच्चा है ना उसका ये कहना होगा और वो लफ्ज एक मोहब्बत की सूरत बनकर दिल में दाखिल हो जाएंगे, फिर वो सूरत दिल के अंदर हमेशा के लिए महफूज हो जाएगी। तो फरमाया वजह यह है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के दिल पर नजर करता है, अल्लाह अपने नेक बंदों के दिल पर नजर करता है, और दिल पर जब नजर करे उस दिल में जो जो होता है उन पर भी नजर हो जाती है। इसलिए कहते हैं कामिलों के नजदीक हो जाओ, इतने नजदीक के उनके दिल के अंदर दाखिल हो जाओ, सिर्फ हाथ मिलाने तक ना रहना, कोशिश करके उनके दिल के अंदर चले जाना, फिर खुदा की निगाह जब भी रहमत वाली उनके दिल पर पड़ेगी तो वो दिल खाली नहीं, तुम्हारे नाम भी वहां रक्स कर रहे होंगे और तुम पर भी रहमत वही बरसेगी जो उनके दिल पर बरस रही है। अमल के बगैर कुछ नहीं है, बातें मैं भी बहुत कर लेता हूँ, सारी उम्र बातें की है, लेकिन मेरी भी अगर निजात हुई तो अमल के बाद ही। मेरा ये हुस्ने कलाम मुझे नहीं बचा सकता, मेरा हुस्ने अमल मुझे बचाएगा। समझे आप, बातों से जान बचाना ये नामुमकिन है, शैतान ने बातें की अमल नहीं किया, नहीं समझे, बातें करता रहा, अल्लाह के साथ बातें करना शुरू कर दिया, तो बातों से कुछ नहीं बनता, बड़ी बड़ी दलीलें देने से भी कुछ नहीं बनता। मैं ये सारे खेल जानता हूँ, हर मजलिस की बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने लिए निजात सादा सी बात है कि खुदा ने जिससे रोका है रुकना ही बेहतर है, जिसकी तरफ बढ़ाया है उसकी तरफ बढ़ना ही बेहतर है। बात जगह कदम बढ़ाना शरीयत है, बात जगह कदम रोकना शरीयत है, और जिस आदमी ने इस दो कदम के फलसफे को समझ लिया उसके लिए जन्नत फिर दो कदम ही। एक कदम रोक लो, एक कदम बढ़ा लो, बस इतना ही फासला है तुम्हारे और जन्नत के दरमियान। पूर्व मंजिल के लिए दो कदमों का इस्तियारा और ये खूबसूरत कलाम जो साहिबान फन है और लिटरेचर में जो लोग कलाम करते हैं इस तरह के फनी गुफ्तगु करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जन्नत दो कदम है, एक कदम रुकने वाला और एक बढ़ने वाला। रुकने वाला वो है जहाँ मासियत है, गुनाह है, हराम है, ममनू है, और बढ़ने वाला वो है जो मुस्तहब है, जो जायज है, जो मशरू है, महबूब है, फर्ज और वाजिब और सुन्नत है। फरमाया बस ये एक कदम रोक लो, एक कदम बढ़ा लो, आंख खोल लोगे तो जन्नत सामने।